लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। परेशानी और तकलीफों से जो दूर हो वो हम हैं, जिसके सर पर आपका हाथ हो उसे क्या गम है। यानी गालिब साहब आज तक जिंदा है? गालिब न मरा था, न मरा है, न मरेगा, क्योंकि आशिक का बच्चा न सुधरा है न सुधरेगा। ओए मेरे आशिक के बच्चे, भूल जा उसे। पैरे लगे तेरे महबूब के घर, उस घर के जूते पड़े, उससे पहले तू डूब मर। नहीं भैया नहीं, वो जूते नहीं वो हार हैं, वो पैरे नहीं वो प्यार है। घबराना मत राधा, हम पास करेंगे हर इम्तिहान, क्योंकि अब आ गया है तेरा रोमे तूफान। अब मत घबराना मेरी जान, आ गया है रोमी तूफान। तुम, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? हाँ, मोहब्बत और जुर्रत क्या चीज है ये तू क्या जानेगा कसाई? ये दीवाना बन कर रहेगा तुम्हारा परमानेंट जवाई। अरे पकड़ो इस रोमी को और बाहर फेंक दो इसकी लाश। अरे भाई पकड़ो इसे। अरे बुआ जी, मैनेजर पकड़ो इसे, पकड़ो। हाय तेरी कमर, हाय तेरी चाल, तुझको देखकर हो गया मेरा बुरा हाल। मैनेजर, अबे मैनेजर मैं ऊपर हूँ, इधर मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। अबे अबे पकड़ पकड़, आराम से, छोड़ना मत तुझे, पकड़। राधा अरे दानव को बुलाओ, दानव को। कहाँ है दानव? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती रोमी, तुम्हारे बिना मुझे जिंदगी मौत लगती है। मुझे इस घुटन से बाहर निकालो रोमी, मुझे भगा ले जाओ अपने साथ। भागे हमारे दुश्मन मेरी जान, हमें रुकना होगा, हमारी मोहब्बत के आगे इन कमीनों को झुकना होगा। मेरे डायलॉग पसंद आए? डरो मत मेरी जान, प्यार के दुश्मन होते हैं कमजोर। मैं जानती हूँ लेकिन रोमी। अरे ये तो भूत है। अंकल हटिए भाई, अरे बच गया, शुक्रिया दोस्तों। अरे दानव लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। जाओ भैया के पास। रोमी तूफान, खतराए जान, कर दिया रोशन हमारा नाम। अरे आगे आगे देखो मामा, देवी माँ के प्रताप से राधा को जल्दी इस घर में ले आऊंगा, उसके बाद ना तो दूध फेंटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अंगीठी सुलगाने की। हाँ हाँ बेटे, सारी उम्र अंगीठी तो हमने सुलगाई और हलवा खाएंगी रानी बिटिया। राधा से आपको क्या तकलीफ है मामा? बल पड़ते ना पेट में इनके। लड़की तो अच्छी है मगर इसकी हरकतें तो देख, पता नहीं क्या क्या करके आया हवेली में। कल पुलिस घर आ गई तो आपको पकड़ेगी। मुझे क्यों? मैं कह दूंगा ये मामा का मास्टरमाइंड है।
मैं तो मामा का बस पिट्ठू हूँ। हाँ हाँ, देखा आपने लाडले को? अरे मेरी नहीं तो कम से कम अपने भाई की इज्जत का तो ख्याल किया कर, जो कि खुद एक सूट नहीं पहनता और तेरे लिए नाइट सूट तक ले आता है। क्या देख रहे हो बेटे? आनंद भैया को, काश आज वो यहां होते। मुझसे कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है क्या? मैं पूछ सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है? हाँ आप पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है भैया कि इस घर में ज्योति जैसी भाभी नहीं है। ड्रामेबाज है अपना रोमी, ड्रामेबाज। जानता हूँ तू चाहता है कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए ताकि तेरी भी हो जाए, मगर तू फिक्र मत कर बेटे, मैं पहले तेरी शादी करूंगा फिर अपनी करूंगा। भैया इतना बड़ा बलिदान? बलिदान के बच्चे, पहले पढ़ाई पूरी करो, नौकरी करो, बड़ा आदमी बनाओ, फिर शादी करो। नहीं नहीं भैया, मैं कोई नौकरी वोकरी नहीं करूंगा। I want to be a businessman, corporate businessman बनेगा। बाप दादा ने इतनी जायदाद दे दी है ना। I want to be a businessman, that's why I want to marry a daughter of a businessman. Do you understand, you old man? I do understand, you young man. Oh, you misunderstand, old man. काश आज माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब तो नहीं सुनना पड़ता ना। ज्यादा दंडे पड़ते बेटे, ज्यादा दंडे अगर माँ जिंदा होती तो, जैसे हमें पड़ते थे। यानी एक बात सीरियसली सुन ले बेटे, आज मैं जानता हूँ तू राधा से बहुत प्यार करता है, मगर यह ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राधा के खानदान और हमारे खानदान में जमीन आसमान का फर्क है बेटे। वो जितने अमीर है उतने ही कमीने हैं। वो तो है, तू जानता है। तो फिर वो तेरे जैसे मासूम जान को अपने हवेली के चौखट पे कुचल देंगे, तुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं उस चौखट को जला दूंगा भैया। वो जो तुम्हें जेल भेजेंगे उसका क्या? और आप जो मुझे वहां से छुड़ा लोगे उसका क्या? कत्ते नहीं। मैं लड़कियों के घर में जाने वाले को सपोर्ट नहीं करता। अरे मैं घर में कहां जाता हूँ भैया, मैं तो राधा से मिलने जाता हूँ बस। देखो बेटे, राधा के किशन, ये बंसी बजाना बंद कर दो वरना एक दिन तुम्हारी खुद की बंसी बज जाएगी। बालों को हाथ मत लगाइए भैया। क्यों? इसी में तो मरती है। रीछों के बाल पे भी लोग मरते हैं। और मजनू साहब, सुना है आपकी तबीयत खराब है और आप यहाँ सर्दी में बैठे हैं, बुखार है आपको? हाँ हाँ, बुखार आ गया है और अब मैं मरने की तैयारी में हूँ। मरने की तैयारी, वेरी गुड। मरने से पहले कुछ सेब खाओगे? नहीं चाहिए मुझे। नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। वाह बहुत अच्छे सरकार, दूध दूध मुझे तो पानी का एक कतरा भी हराम है। डोंट वांट, ठीक है, वांट। वाह सखी बेटे, वाह क्या हो गया तुझे? तुझे मालूम है कि तेरा भाई सुबह से भूखा प्यासा पड़ा हुआ है और तू है क्या चटखारे लेके खाए पिए जा रहा है? क्या करूं, आशिक ऊपर जाने की तैयारी में। तो ठीक है, अब खुशियां मनाने का ज्यादा इंतजार मत कीजिए, बुला लीजिए बैंड बाजे वालों को, आज ही मर के दिखाता हूं मैं आपको। अगर राधा की शादी किसी और के साथ हो गई ना तो वो जहर पी लेगी, और अगर वो मर गई तो मैं जी कर क्या करूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। बाय। खबरदार, खबरदार जो इसी बातें की तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इतना बड़ा किया जहर पीने के लिए, तो फिर और क्या करूं? हो जाने दो उसकी शादी किसी और के साथ। रोमी मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता तू? समझने की कोशिश की थी आप, एक बार भी मेरी आंखों में झांक कर देखा है आपने, एक बार भी राधा के दिल को टटोल कर देखा है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, एक बार भी अपने भाई की खातिर उन हवेली वालों से बात की आपने? नहीं, जिसे देखो अमीरी गरीबी और ऊंच नीच की बात करता है, जैसे दुनिया में सबसे बड़ी अहमियत इन सब चीजों की है, और तो कुछ है ही नहीं। अब तू पाल के दिखा बाबा को कि तेरे आदेशों ने माँ की निशानी को कीचड़ में फेंका है या आसमान में बिठाया है। रोमी बेटे तू पागल हो गया है क्या? अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए कि आग लगी है मेरे दिल में, मैं कुछ समझना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ
कि राधा और मेरा प्यार तब का है जब वो 9 साल की थी और मैं 13 साल का, और अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई ना तो जान दे दूंगा मैं अपनी। हाँ तुम्हारा नाम विजन 44। माल लाया? नुसरत बैग ले लो। अरे इस माल की कोई कच्ची रसीद मिलेगी? हेलो बैग खोल कर देखो उसमें 200 सोने की बिस्किट है कि नहीं। डागर इसमें पत्थर ही पत्थर है। पत्थर? अरे अरे नहीं डागर साहब, अरे प्लीज प्लीज, अरे ये क्या, अरे डागर साहब, अरे डागर साहब क्या कर रहे हैं आप? हरामजादे धोखा करता है हमारे साथ। अरे नहीं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया भगवान की कसम, मैंने तो बैग खोल के देखा भी नहीं, जैसा मुझे बैग मिला वैसा मैंने आपको दिया डागर साहब। अरे अरे संभाल के देखे लग झूठ बोलते हो तुम। अरे नहीं नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इस कॉलेज में नया नया भर्ती हुआ हूँ, मुझे तो गुगा सिंह के किसी आदमी ने फोन करके कहा है आप बात बातें मुझे क्यों चला दे। अरे साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे सर सरकार माई बाप, आपकी भी कोई औलाद होगी, मुझे भी अपना बच्चा समझे, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है। सच सच बता माल कहाँ रखा है? नहीं तो एक भगवान जी, दो शक्ति भैया, तीन के बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना जाओ जाओ, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन सर आपका शुक्रिया अदा किए बिना मैं यहाँ से कैसे चला जाता? ठीक है पर तुम्हें मालूम था मैं क्या कर रहा था? लेकिन सर मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि आप यहाँ जंगल में खड़े हो के। शट अप। सॉरी सर। कम यहाँ। यस सर, यस सर। मैं यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो कुका सिंह के आदमी ने मुझे फोन करके कहा कि पीली कोठी से काला बैग लेकर यहाँ आके इस आदमी को मैं दे दूँ। सब सुना, सब सुना। सॉरी सर। कितने दिनों से इस धंधे में हो? 7 दिन से सर। सर मैं आपको उस दिन मिला था ना, उस दिन मेरा चौथा था, आई मीन मेरा चौथा दिन था सर। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि आप हंस रहे हैं सर। मतलब जो मैं करूंगा तुम करोगे? बिल्कुल वही करूंगा सर। फिर करो। हाँ सर। Yeah.
शराब शराब सॉरी सर। तुम मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं सर। मेरे जैसा? हाँ, क्यों सर? सिकंदर स्टाइलिश रिच बहादुर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर। लेकिन सिकंदर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं सर। पैसे वाला क्यों? क्योंकि मैं राधा से शादी करना चाहता हूं सर। ये राधा कौन है? मेरी महबूबा। मतलब आशिक हो? जबरदस्त सर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, लगाइए 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 लगाइए। थैंक यू सर। पकड़ोगे क्या सर? बंदूक। हाँ सर। थैंक यू सर। जब लड़की के घर वाले दुश्मन बन जाते हैं तो आशिक के दिल को ठेस तो लगती है ना सर? लगी लगी सर। अरे क्या उनके बाप गराज है सर? अरे वो समझते क्या अपने आप को? इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी राधा से अलग नहीं कर सकती सर। अरे मैं सब कुछ खत्म। सॉरी सॉरी सर, आग लगा दूंगा मैं आग। मेरा तो ये ओपन चैलेंज है सर, एक्सक्यूज मी, कि जिसमें दम हो वो मेरे सामने आ जाए। मैं अकेला ही 100 के बराबर हूं। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं। नहीं 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 सर। हाँ बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो क्या है ना, जब मैं गुस्से में आता हूँ तो यूं ही घूमने लगता हूँ, यूं ही घूम। मगर उसका वो जो बाप है ना सर, उसके बाप के तो मैं टकले पर मारूंगा सर। और वो फूफा, उसको तो मैं यूं घूसा मार के उसका मुंह तोड़ दूंगा सर। देखिए ये गॉन केस।